Assalamualaikum, welcome to Qamar MoonBoy channel, and this is a new video for you. Do like my video so that I can create more for you by clicking on this like button, and also subscribe my channel if you haven't subscribed my channel till now, and also press on the bell icon if you are not getting this notification for my channel. You will get a notification every time I upload a new video. Thank you. Hello. Walaikum salam. One second, let me take all these things first. Nice masjid there. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मैं नहुम जमात में पढ़ता हूं। मैं क्वाइट लाउड, थोड़ा लाउड। मैं मखरूस को खर्च देने के उनमान पर कुछ कहना चाहता हूं। हजरत बुरैदा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने किसी दंगदस्त को मोहलत दी उस हर रोज खर्च की रकम के बराबर सदके का सवाब मिलेगा। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने किसी दंगदस्त को मोहलत दी हर रोज खर्च की रकम के दुगने सदके का सवाब मिलेगा। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको फरमाते हुए सुना, जिसने किसी दंगदस्त को मोहलत दी उसे हर रोज खर्च की रकम के दुगने सदके का सवाब मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक खर्च की मुद्दत पूरी नहीं होती खर्च के बराबर सदके का सवाब मिलेगा, और जब मुद्दत पूरी होती है पूरी होने के बाद मोहलत देते हैं तो दुगने सदके का सवाब मिलता है। इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि खर्च देने पर भी सवाब है और मोहलत देने पर भी सवाब है। नंबर एक, बेची हुई चीज़ वापस लेना गुनाहों का कफारा है। नंबर दो, नरमी करने वाला ताजिर अल्लाह की रहमत में होता है। नंबर तीन, मखरूस को मखरूस को सहूलत देना सदक़े का सवाब दिलाता है। नंबर चार, तंगदस्त मखरूस को सहूलत देने से क़यामत की सख्तियों से हिफाजत होती है। नंबर पाँच, सहूलत देने वाले ताजिर के खरीदार बहुत होते हैं। नंबर छः, तिजारत में नरमी करने वाले के माल में बरकत होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सर सैयद हरली फ्रॉम क्लास 7th स्टैंडर्ड। गुड, माय टॉपिक इज मखरूस को कर्ज देना। हदीस, हजरत बुरैदा रजी अल्लाह अन्हु नरेटेड दैट ही हैड प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह will have salat at 5:10. We have made arrangements for both ladies and gents. Gents may offer salat towards the left of the man, and ladies, we have arrangements for you towards the right of the man. Sharp at 5:10. At 5:10, we will have salat in congregation, inshallah. To take back the things from soul to please Allah subhanahu wa ta'ala in purification of sins. One who is kind and polite to under the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala to give time or forgive the debt will be considered as a for charity. One who extends the limits for the sake of customers will be liked one or not. Good traders never believe in pomp and vanity. Ideal traders never lies or miscommunities. Ideal traders never make contraction in taking the prices. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है, मैं मुंबई से हूं। मेरा मखरूस को खरीदने के लिए